हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नई ब्रांड वीडियो के साथ। और यार फाइनली कंपेनियन मोड आ चुका है, आज ही अनलॉक हुआ। तो आप कैसे उस कंपेनियन मोड को, यानी कि जो कबूतर है जो आपके हमेशा साथ में रहेगा, आप जब भी गेम खेलोगे वो आपके साथ उड़ेगा, कैसे आप उसको अनलॉक करोगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे अनलॉक करोगे। तो उसको अनलॉक करने के लिए अगर आप यहाँ पे इवेंट में जाते हो तो फिर आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप लॉगिन करते हो तो, अगर आज के दिन लॉगिन करते हो तो फिर ये आपको दो शॉर्ट्स मिलेंगे। फिर कंप्लीट 5 मैच कंप्लीट करने के बाद आपको 2 शॉर्ट मिलेंगे, और फिर 3 मैच कंप्लीट करने के बाद आपको 1 शॉर्ट मिलेगा। और यही चीज़ अगर आप रोज़ करते हो, यानी कि ये जो मिशंस है ये आपके डेली रोज़ रिफ्रेश होंगे, जिसमें कि आप डेली आपको कुछ शॉर्ट्स देगा। जैसे कि आज हमको मैचेस कंप्लीट करने पे आपको आज 5 शॉट मिलेगा, यानी कि ये दो और ये एक, आज के दिन आपको 5 मिलेगा। फिर कल आप खेलोगे, फिर कल 5 मिलेगा। ऐसे ही करते करते आप अगर आप इनफ शॉट्स कलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ फिर आपको रिडीम सेक्शन में, यहाँ से आप उन शॉट्स से कुछ आइटम्स रिडीम कर सकते हो। तो क्या क्या आप रिडीम करोगे, यहाँ पे आप 1 शॉट में आप कंपेनियन के लिए आप फूड कंपेनियन मतलब उसके लिए खाना आप रिडीम कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे है आपका मेन फाल्कन, यानी कि जो आपका कंपेनियन है वो आपका रिडीम हो जाएगा, वो होगा 50 शॉट्स में आपका ये जो फाल्कन है वो रिडीम हो जाएगा। और वहीं आपका 20 शॉट में आपका यहाँ पे फाल्कन का अवतार रिडीम हो जाए, जैसे कि अवतार मतलब ये जो आप यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखता है ना, ये अवतार होता है, तो ये आपका रिडीम हो जाएगा कितने में, 20 शॉट्स में, ठीक है। और ये रहा 20 शॉट में आपका ये अवतार रिडीम हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सबसे पहले इस फाल्कन को पहले रिडीम करना, क्योंकि जब फाल्कन ही रहेगा तभी तो आप अवतार वगैरह लोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले 50 शॉट अप कलेक्ट करना और इस चीज़ को रिडीम कर लेना। अब आप कैसे ये सारे शॉट्स पाओगे, तो उसका भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो मिशन है ये आपके डेली के डेली आपके रिफ्रेश होते रहेंगे। तो यहाँ पे आज के दिन 5 मिलेगा, कल रिफ्रेश होगा, कल कुछ मिशन देंगे, तो फिर कल आपको 5 मिलेगा। ऐसे ही करते करते आपको रोज़ के रोज़ आपको 5 शॉट्स मिलते रहेंगे। और फिर अगर आप यहाँ पे जाते हो आरपी में, यहाँ पे अगर आप रिडीम सेक्शन में जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको शॉट्स को रिडीम करने को दिया रहेगा, जो कि आप बीपी में खरीद सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए दैट आइटम रिक्वायर्ड एंड अपग्रेड पास टू रिडीम अपग्रेड नाउ। तो यहाँ पे अगर आपके पास एलीट रॉयल पास है तभी आप इस चीज़ को यहाँ से रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास रॉयल पास है तो इस चीज़ को आप रिडीम कर लेना। अगर आपकी आरपी 15 हो जाती है तो फिर यहाँ के भी आप शॉर्ट्स को रिडीम कर सकते हो, और 25 हो जाती है तो फिर यहाँ के भी आप शॉर्ट्स को रिडीम कर सकते हो। ऐसे करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी शॉर्ट्स को रिडीम कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है, तो यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे इवेंट में जाते हो तो फिर यहाँ पे टाइम लिमिटेड में आपको यहाँ पे फाल्कन मैनुअली देखने को मिलेगा। ये क्या है चीज़, आपको मतलब ये यहाँ पे आप अपने फाल्कन को ट्रेन कर सकते हो, आप अपने फाल्कन को सिखा सकते हो कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो इस पर मैं अगर टैप करता हूँ तो फिर चलो ये एक ओवरऑल एक बुक है, जिससे कि आपको पढ़ के आप अपने फाल्कन को ट्रेन करना है। तो फिर आपको दिखाता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करोगे आप अपने फाल्कन को या फिर अपने कंपेनियन को ट्रेन करने के लिए। तो इसे खुलने देते हैं, और ये खुल रहा है और ये खुल गया। खुलने के बाद आपको यहाँ पे टैप करने को ओपन देगा, यानी कि आप बुक को खोले तो यहाँ पे अगर मैं टैप किया तो फिर ये बुक खुल गया। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हुई हैं जो कि फाल्कन को पढ़ने के लिए है और इसे ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार इमेज को टैप कर लो, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आप उस चीज़ को टैप कर लो, ठीक है। और टैप करने का मतलब ये कि आपने हर टिप को पढ़ लिया है और आप अपने फाल्कन को ट्रेन कर लिए, ओके। यहाँ पे आप टैप कर लो, जहाँ जहाँ पे भी ये जो साइंस दिए हुए हैं आप यहाँ पे टैप कर लो, ओके। यहाँ पे भी मतलब हर जगह पे आप टैप कर लो, जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें दी गई हुई हैं। और हाउ टू गेट इट, यहाँ पे क्या हाउ टू गेट इट ट्रेनिंग, फिर अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो अगला पेज पलट जाएगा। यहाँ के भी चीज़ों को इमेजेस को ओपन करके देख लो, मतलब कि आप ट्रेन कर रहे हो आप अपने फाल्कन को। तो जहाँ जहाँ की भी चीज़ें वहाँ वहाँ पे जो भी साइंस है वहाँ पे आप टैप करके देख लो, वहाँ के अगर आप चीज़ों को अगर आप टैप कर लेते हो, ओपन कर लेते हो, तो मतलब कि ये कि आप उन चीज़ों को पढ़ लिए हो, समझ चुके हो।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक वीडियो दिया गया हुआ है, तो इसको छोड़ो। यहाँ पे इसको अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको दो शार्ट्स मिल जाएंगे और फैल्कन का फैल्कन अवतार फ्रेम भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको हम शायद ईमेल में जाके कलेक्ट कर सकते हैं, और कोई नेक्स्ट पेज है क्या, और तो नहीं है, तो इसको कर दो कैंसिल। और यहाँ पे चलते हैं अब हम, अरे भैया, अरे भैया, अरे यार एक मिनट, ईमेल में, यहाँ पे आपको ईमेल में आपको जो अवतार है ये कलेक्ट करने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा, और कंपेनियन के शार्ट्स भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दो और आपको एक्स्ट्रा शार्ट मिल गए कलेक्ट करने को, ठीक है। और इस चीज़ को, अरे इस चीज़ को हम एक बार उसमें जाके दिखाते हैं आपको कि देखिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने शार्ट्स थे यहाँ पे, हाँ अब मेरे पास कितने शार्ट्स थे, पहले दो थे, अब यहाँ पे हो गए मेरे पास चार। और अगर मैं पांच मैचेस खेलता हूँ तो मेरे को दो और मिलेंगे, और तीन मैचेस खेलता हूँ तो मेरे को एक मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप ये शार्ट्स कलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप आके आप उस चीज़ को रिडीम कर लेना। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप सबसे पहले ये फैल्कन को रिडीम करें, उसके बाद से ही, उसके बाद आपको जो मन करे वो रिडीम करें, कि आप सबसे पहले फैल्कन को रिडीम करें। और इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप वर्कशॉप में आते हो तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपेनियन, ओके। और कंपेनियन में यहाँ पे आपका फैल्कन है जो कि लेवल वन लेवल टू, यहाँ से कि आप आके उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड करने के लिए वही आपको शार्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेवल सेवन पे सारे फैल्कन का इमोट दिया गया हुआ है, और ये रहा आपका कैरेक्टर के साथ आपका फैल्कन कैसा लगेगा यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। तो यही है गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। और फैल्कन की मैं आपको एक क्वालिटी बता दूँ ये कि ये सिर्फ आपके जो, मतलब ये जो फैल्कन है सिर्फ आपका, आप और आपके टीममेट देख सकते हैं, और कोई आपका एनिमी ये फैल्कन को नहीं देख सकता, सिर्फ आप और आपका टीममेट ही देखेगा। मैच को मैच में लेके जाने पे इससे कोई, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो यार जाओ इस चीज़ को ट्राई करो, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो बस मैं चलता हूँ, जय हिंद।